बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 8 मोहम्मद अब्दुल रफीक फ्रॉम ऑप्शन ग्रामर स्कूल। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 7 डिलीवर किया, अब हम आपको डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमारे दो इक्वेशन लिखी है, ये बैलेंस करेंगे हम। ये लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट कहलाती है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट कहलाती है, दो साइड है। ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये साइड प्रोडक्ट है। कार्बन की क्वांटिटी 1 है, यहां भी 1 है। ऑक्सीजन यहां 2 है, जबकि ऑक्सीजन यहां पर 1 है। आपने कभी भी यहां पर 2, 3 या 4 लिख के नहीं सॉल्व करना, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप हमेशा यहां लिखेंगे 2, और जब यहां कोई भी डिजिट लिखा जाएगा तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं होगा, बल्कि वो कार्बन के लिए भी होगा, या और कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो उसके लिए भी होगा। अब देखिए, यहां हो गया 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां 2 ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन कितना है? 1। हम क्या करेंगे, यहां पर भी 2 कार्बन लगा देंगे। अब देखते हैं बैलेंस हुई इक्वेशन या नहीं। 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। पोटेशियम मतलब कि 1 है 1 है, 2 नाइट्रोजन 1 है नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां ऑक्सीजन 2+2 4 है। अब अगर यहां मैं 2 लिख देता हूं और यहां भी मैं 2 लिख देता हूं, तो यहां 2, 3+6 ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या होगा, 2, 2+4 4+2, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, 4+2 6 हो गया, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। लेकिन बाकी एलिमेंट्स पोटेशियम मतलब के 2, नाइट्रोजन 2, इसके साथ भी है इसके साथ भी, यहां कितना पोटेशियम 1, यहां कितना है 1 नाइट्रोजन। अब अगर मैं यहां 2 लगा दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2 कार्बन 2 पोटेशियम 2 नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया ज्यादा। असल में गलती ये है कि यहां से मैंने 2 हटा दिया, ये मैंने जानबूझ के लिख के दिखाया है आपको कि ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में लिखे और सही आंसर आ जाए और बैलेंस हो जाए। अब आप देखें, जो 2 मैंने यहां लगाना था बुनियादी तौर पर यहां लिखा था वो यहां लगा, कैसे, 2 पोटेशियम 2 नाइट्रोजन 2, 3, 6 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम 2 नाइट्रोजन 2, 2+4 ऑक्सीजन 4+2 6। डायरी देख लेते हैं, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 29 और 31, आपने घर से सॉल्व करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।